भाई जब भी कहीं निकलते हैं ना कुछ पता नहीं क्या हो जाता है यार। अब इसकी इसका गियर काम नहीं कर रहा ना, इसका क्लच काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो अभी guys सुबह के बज रहे हैं 3 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं, बिकॉज अभी हमें जंगल में किसी लेक के किनारे कल हम आए थे ना कैरावैन में, और हम रात भर सोए नहीं भाई, फुल बातें कर रहे थे अभी तक, और पता नहीं चला सुबह के 3 बज गया और बाहर आ रहा है बहुत खतरनाक वाला तूफान, बारिश आ रही है, और हम गाड़ी के अंदर है, गाड़ी के अंदर पे घर के अंदर, घर वाली गाड़ी के अंदर, कैरावैन के अंदर, तो हाँ लेकिन थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है बिकॉज बाहर देखो बारिश आ रही है, अभी दिखेगी भी नहीं, पूरी गाड़ी हिल, पूरी गाड़ी हिल रही है भाई, इतनी तेज तूफान आ रहा है। अब हमारा सोने का प्लान तो है नहीं, तो अब सुबह उठेंगे 5 बजे सनराइज देखेंगे। बिजली चमक रही है देखो बाहर, खतरनाक बिजली चमक रही है बाहर, इतनी खतरनाक आवाज आ रही है बाहर बादलों की। हम तो बस वेट कर रहे हैं सुबह होने का। ये क्या हो रहा है भाई? तो भी गाइस सुबह के 5:30 बज गए और उजाला होना शुरू हो गया देखो बाहर, लेकिन बारिश नहीं रुकी, बारिश हो ही जा रही है, मतलब वो भी सो गए थोड़ा सा, एक छोटी सी नींद झपकी आई, एक डेढ़ घंटा सो गए। लेकिन गाइस मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोया, मुझे नहीं आई बिल्कुल भी नींद, और सबसे बड़ा पॉपर्ट ये होगा कि मैं अपना लैपटॉप भूल गया, नहीं तो मैं एडिटिंग कर लेता। एकदम फ्रेश हवा चल रही है देखो, और यहाँ थोड़ा बहुत पानी भर गया देखो भाई, लेकिन शायद हम सनराइज नहीं देख पाएंगे बिकॉज बारिश हो रही है, बादल हैं, तो सनराइज क्या ना देख पाए, और ड्रोन भी नहीं उड़ा पाऊंगा मैं सोचा था कि सुबह सुबह सनराइज दिखेगा मस्त, लेकिन बारिश ने पॉपर, लेकिन बारिश से मौसम भी अच्छा हो गया। फिलहाल तो चाय बनाएंगे, पहले सुबह सुबह की चाय पियेंगे और फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। गाइस बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है बड़े बड़े होटल्स में जाके रहने का, लेकिन हमारा ड्रीम होता है कैरावैन में रहने का, इस तरह से, वो भी जंगल के बीच में, तो हम अपने ड्रीम जी रहे हैं फिलहाल। अभी गर्म पानी और चाय बन रही है, रात को नींद तो हमें आई नहीं लेकिन मज़ा आया काफ़ी। अब फिलहाल बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है बस, और देखो गाड़ी धुल चुकी है बारिश में, पूरी धुल चुकी है, चमक चुकी है एकदम। कोई अगर बाहर से देखेगा ना सोच सकता अंदर ऐसा होगा, जैसे यहाँ से झांक के देखोगे भाई कितना मस्त बेड है अंदर, इस वाली खिड़की से देखोगे यहाँ पे किचन है। तो अपनी चाय आ गई है तो चाय पीते हैं मस्त। तो भी गाइस चाय तो पी ली है, अब जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, थोड़ा घूम के आते हैं मॉर्निंग वॉक पे, यहीं पे आसपास ही घूमते हैं यार, इतना बढ़िया एरिया है, पैदल पैदल घूमते हैं थोड़ा, पूरा ग्रीन ग्रास लैंड कितना प्यारा लग रहा है, और ये पत्थर देखो कितने मस्त लग रहे हैं, डैम बन रहा है ये, शायद ऊपर तक बनेगा पूरा, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, पत्थरों को बांध रखे देखो गाइस, ये देखो हमारी मॉर्निंग वॉक, पत्थरों के ऊपर मॉर्निंग वॉक हो गई हमारी, लेकिन ध्यान से चलना पड़ रहा है, हमारे नीचे से पानी जा रहा है, इन पत्थरों के नीचे से पानी जा रहा है देखो यहाँ पे, वहां निकल रहा है देखो। और गाइस पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कल भी दिया था कि हम यहाँ परमिशन से आए हैं, पर्ची कटवा के आए हैं, फॉरेस्ट वालों की पर्ची कटवा के आए हैं। तो अभी हम घूमते फिरते आ चुके हैं ग्रीन लैंड में, देखो यहाँ पे पूरा ग्रीन है गाइस, यह ग्रास लैंड जहाँ जो आपने डिस्कवरी में देखे होंगे, अभी फिलहाल तो यहाँ कोई जानवर नहीं दिख रहा हमको, बिल्कुल नेचर के बीच में वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में, लेकिन यहाँ पे खुला एरिया है तो अगर कोई आएगा तो हमको चल जाएगा पता। हो गई हमारी मॉर्निंग वॉक, तो भी गाइस ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, ये हमने बनाई है सेवैयां, जो कितनी मस्त लग रही है, नमकीन सेवैयां, जंगल में आके भी हम नमकीन सेवैयां खा रहे हैं। तो भी गाइस ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, आपको एक चीज दिखाता हूँ मस्ती चीज, ये देखो साइकिल पे इतनी सारी लकड़ियाँ, तो घर में यूज करोगे? हाँ। जंगल से ले आ रहे हो? हाँ, जंगल से ले जा रहे, जंगल से। बहुत बहुत भारी है देखो। भाई दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हर जगह लोग रहते हैं, हर जगह लोग किसी न किसी तरह से रहते ही है, जैसे कि यहाँ भी लोग रहते हैं थोड़ी आगे, यहाँ पे भी गांव है। तो अभी सुबह के बज गए 9, अब धूप भी आ गई है तो अब चलते हैं, ऐसे धूप में मजा नहीं आता ना, सुबह सुबह ठंडा ठंडा मस्त लग रहा था और रात को भी ठंडा ठंडा मस्त लग रहा था, तो चलो अब चलते हैं कैरावैन लेक घर अपना। लेकिन ऐसी जगह पे आके ना जूते और पैंट की हालत खराब हो जाती है, पूरा मिट्टी मिट्टी, तो ये जाके मुझे ही धोने पड़ेंगे। तो अभी गाइस रेडी है जाने के लिए, तो चलो। तो गाइस देखो भाई साहब किस तरह से लेके आ रहे हैं दूध, बताएं दूध लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, पानी के अंदर से भाई, क्या दूध ला रहे हैं क्या, लिटरली पानी के अंदर से, भैंस का लेके आ रहे हैं, भैंस का, अच्छा वहीं से भैंस का निकाल के लेके आ रहे हैं। देखो रियल स्ट्रगल देखो भाई, ये है रियल स्ट्रगल, वो भाई पूरे डूब गए, ये तैर के आ रहे हैं क्या, अच्छा मतलब गहरा है ये, बहुत निकल गए निकल गए निकल गए आगे, और वो भी दो लेके आ रहे हैं देखो, अभी भी जा रहे हैं शायद, अभी पूरा यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से दूध लेके आएंगे, फिर दोबारा आएंगे, रियल स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल, इनके पास रोजगार का यही साधन है ना, तो देखो भाई किस तरह से कितना स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, जो दूध आप खरीदते हो वो क्या पता आपके पास ऐसे आता हो देखो। तो फिलहाल निकल पड़े हैं, और गाइस सामने का व्यू देखो, राइट में पानी लेफ्ट में पानी, कितना मस्त लग रहा है भाई। तो गाइस देखो यहाँ पे बैरिकेड आ गया,
क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया है ना। नमस्कार नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। क्लच काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। गैस ये पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, हमेशा जब भी ट्रिप पे निकलते हैं अब गियर ही नहीं लग रहे इसमें, क्लच काम नहीं कर रहा। भाई जब भी कहीं निकलते हैं ना कुछ ना कुछ पता नहीं क्या हो जाता है यार। अब इसके इसका गियर काम नहीं कर रहा ना इसका क्लच काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, पता नहीं क्या होता है ये हमारे साथ। हाँ क्लच लूज हो गया, देखो क्लच काम ही नहीं कर रहा, नहीं लग रहा, गियर लग ही नहीं रहा। अच्छा वाला मस्ती करके हम जा रहे थे घर, एक छोटी चाबी देना उसमें, इतनी सारी चाबियां देखो, दबा दिया पूरा दबा दिया, एक बार धक्का मार के गियर डालते हैं। हाँ स्टार्ट करेंगे फिर रुकेंगे नहीं गाड़ी को, हल्दवानी पहुंच जाएगी। अच्छा ऐसा भी होता है, गियर लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं तो इनसे धक्का लगवाएंगे, अब सब मिल के धक्का लगाएंगे, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गई ना फिर बंद नहीं करनी गाड़ी, गियर में स्टार्ट करेंगे और बंद नहीं करनी गाड़ी, अगर बंद होगी ना फिर बंद ही हो जाएगी, इसलिए अब स्टार्ट करके सीधा हल्द्वानी ले जानी हमको। इसलिए सेल्फ में स्टार्ट करूंगा ना, हल्का चल जाए ना गियर में, फिर उसे एक ही गियर में रहेगी। तो गाइस धक्का मार के चल चुकी है, अब हम चलते हैं सीधा हल्द्वानी। ओके थैंक यू भाई लोग, थैंक यू, ओके बाय 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 बाय। बस अब गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, अगर बंद होगी ना फिर धक्का मारना पड़ेगा। अभी एक बैरियर आएगा तो बैरियर हटाना है जल्दी से, जल्दी से बैरियर हटाना है, गाड़ी गाड़ी रोकनी नहीं है बेसिकली, हमको चलती पे उतरना है, चलती पे चलो जल्दी से बैरियर खुलवाना है, गाड़ी के आने से पहले बैरियर खुलवाना है। अरे भाई खोलना है इसको, एंट्री हो, खोल तो दिया, जल्दी जल्दी भाग के मैंने खुलवा दिया। तो गाइस फिर से पॉपट हो गया, देखो यहाँ से हम जा रहे थे यहाँ बैरिकेड लग गया, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लग गई। अबे यार गलती होगी रोक के, ऐसे तो रोकी तो नहीं थी, बैरिकेड लग गया फिर रोकनी पड़ी। गाइस अच्छा भला हम जा रहे थे, बैरियर ने काम खराब कर दिया, बैरियर अटक गया बीच में तो रोकनी पड़ी, और रोकनी पड़ी फिर गाड़ी बंद ही हो गई, अब स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा है बिकॉज यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, तो अब लिफ्ट लेता हूँ, किसी लिफ्ट लेता हूँ, घर तक लिफ्ट लेके जाते हैं, मेन रोड पे तो पहुँच गया मैं। रोक दो भाई, ले भाई फिर से पोपट, बैरिकेड्स बंद हो गए, ट्रेन जाएगी तभी आएंगी गाड़ियाँ। चलो भाई ट्रेन भी आ गई। गाइस बहुत बड़ा पोपट हुआ मेरा दोबारा, अभी एक गाड़ी रुकी यहाँ पे, इसमें से बंदे उतरे, मुझे लगा सब्सक्राइबर है मेरे, लेकिन भाई सब्सक्राइबर नहीं निकले, साइड से निकल गए, मुझे इग्नोर करके साइड से निकल गए। जब जरूरत होती है तब कोई नहीं मिलता, दुख में कोई साथ नहीं देता, सुख में सब साथ देते हैं लेकिन दुख में कोई नहीं आता। दूसरा भी लग जाए ना। फाइनली गाइस गियर लग गया और चल रही गाड़ी, फाइनली अब चल रही है सिर्फ फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर में चलेगी अब। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं, 5 की स्पीड में है, लिटरली 5 की स्पीड में। तो मैंने साहिल को बुला लिया यहाँ पे, साहिल गाड़ी लेके आ रहा है तो उसमें सामान लगा के फिर चलेंगे। तो भी गाइस फाइनली साहिल आ गया है गाड़ी लेके, तो चलो अब चलते हैं। साहिल लेके आया इनोवा। ओलू सर्द आ गए हैं, ओली सर्द आ गए हैं। अरे और सब कैसे हो, कैसा रहा ट्रिप? ट्रिप मस्त रहा, पोपट हो गया, इतने पोपट हुए ना जिंदगी में, इतने पोपट आज तक कभी नहीं हुए। गाड़ी खराब हो गया आखिर से। कितने पोपट हुए आपके भाई? मैं तो पहले नहाता हूँ बिकॉज पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ मैं इतनी गर्मी में, और ऊपर से नहाया भी नहीं आज, तो हाँ पहले नहाते हैं फिर खाना खाएंगे। तो फिलहाल नहा लिया है, अब फिलहाल लंच करते हैं। क्या बने हमें आज? तो आज बने भटकी दाल और चावल, और हरी सब्जी भी है क्या? हरी सब्जी दो ना फिर। और भाई ये देखो कैसे बैठे हैं पनीर को बचाने के लिए अपने, गुस्सा कर। तो पीयूष भी आ गया स्कूल से। तो गाइस मेरा तो खाना हो गया, चलो मैं चलता हूँ, मैं सोता हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ बिकॉज मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ, कल 2 दिन से मैं सोया ही नहीं हूँ। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं, अभी अभी जस्ट उठा हूँ मैं, और क्या मस्त नींद आई यार, लाइफ की बेस्ट नींद थी। तो चलो चलते हैं, अब बाहर अंधेरा हो गया यार, अब तो मैं आराम से 3 घंटे सो गया आराम से, बाहर तो अंधेरा हो गया देखो। तो अभी गाइस फिलहाल डिनर करते हैं, डिनर रेडी हो गया, और आज देखो घर पे कौन आए हुए हैं, दिव्य भैया और बॉय भी अभी आए हुए हैं। तो अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं, और फाइनली अब जाके एडिटिंग कंप्लीट हुई है, इसको अपलोड पे लगाते हैं। तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। स्कूल से भाग के सीधे यहाँ आपके पास ही आया हूँ। क्या स्कूल से भाग के सीधे बैग रख के आपके पास ही?
स्कूल से भाग के आए हो? नहीं, स्कूल की छुट्टी हुई, आपकी वैन देखी। छुट्टी हुई है? मैं स्कूल से भाग के आया हूँ। नहीं, मैं जैसी छुट्टी मैंने आपकी वैन देखी मैं आ गया।